दोस्तों इमेजिन करो कि आप एक नाव में हो और आप एक दूर के द्वीप तक जाना चाहते हो, वो भी अकेले। तो आप जा तो सकते हो अकेले, लेकिन ये बहुत मुश्किल होगा। आप गलतियां करोगे और आप समय भी बर्बाद करोगे। लेकिन अगर आपके पास एक टीम होगी तो आप एक साथ मिलकर काम कर सकते हो और अपने गोल को अचीव करने की प्रोबेबिलिटी को बहुत बढ़ा सकते हो। तो ऑथर बोलते हैं, जो टीम आप इस गोल को अचीव करने के लिए बनाओगे उसी को मास्टरमाइंड ग्रुप कहते हैं। जब आप सेम गोल वाले लोगों के साथ काम करते हो तो आप एक दूसरे की स्ट्रेंथ और वीकनेस को पूरा कर सकते हो। आप एक दूसरे से सीख सकते हो और एक दूसरे को इंस्पायर कर सकते हो। जब चीजें मुश्किल हो जाती हैं, तो अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो एक मास्टरमाइंड ग्रुप में शामिल हो जाओ। आपका जो गोल है उसी सेम गोल वाले लोगों को फाइंड करो, उनके साथ नेटवर्क बनाओ, उसके बाद एक ग्रुप बनाओ जिसमें ये सारे लोग हो। अब आपको जो भी इश्यू आ रहे हैं अपना गोल अचीव करने में, उसके लिए आप अब इस ग्रुप के मेंबर से हेल्प लो और अपने गोल को ट्रैक करते रहो। दोस्तों अपनी कंपनी बनाने से पहले हेनरी फोर्ड भी एक गरीब और इग्नोरेंट इंसान थे, लेकिन उन्होंने अपना बिजनेस ऐसे 50 भरोसेमंद लोगों के साथ मिलकर चलाया जो उनके मास्टरमाइंड थे। उन्होंने थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती रखी थी। फोर्ड अपने इन भरोसेमंद और महान दोस्तों के साथ बहुत क्लोज थे और उन्होंने उनके साथ अच्छा रिश्ता बनाए रखा। अपने इसी मास्टरमाइंड ग्रुप की वजह से हेनरी फोर्ड अपनी गरीबी मिटाकर इतने बड़े सफल बिजनेसमैन बन पाए। सिर्फ 10 साल लगे उन्हें इंटेलिजेंट बनने में और 25 साल बाद वो अपने देश के सबसे अमीर आदमी बन चुके थे।